ये जो बुक है, इस बुक के आइडियल रीडर्स कौन है, मतलब बेसिकली ये बुक किन के लिए है? आप जब राइटिंग करते हो तो आपके लिए सबसे पहले क्या आता है? प्लॉट आते हैं या कैरेक्टर आते हैं? और अगर प्लॉट आते हैं तो क्यों, और कैरेक्टर्स आते हैं? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ राइटर वर्किंग ऑन योर फर्स्ट बुक? आज के एपिसोड में हम आपका स्वागत करेंगे बिल्कुल ही अलग अंदाज में, क्योंकि आज टॉक्स ऑफ लेजेंड्स शो में जो मेहमान बन रहे हैं, नो डाउट वो एक बड़ी शख्सियत है। हाँ बिल्कुल, आप उनके बारे में जानते होंगे, इनका नाम है सत्यपाल चंद्रा। और जानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने एक कंपनी को बिल्कुल स्क्रैच से आज 500 करोड़ की बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैकटैप की। मैकटैप को इन्होंने स्क्रैच से शुरू करके आज 500 करोड़ की कंपनी बना दी। लेकिन आज हम मैकटैप के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्रा जी से, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में और साथ ही साथ उनके राइटिंग स्किल्स के बारे में। अब राइटिंग स्किल के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने जिंदगी में लगभग 11 नॉवेल्स लिख दिए। अब जरा समझिए, 11 नॉवेल्स लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान 11 नॉवेल्स तब लिख दे जब उनकी इंग्लिश बहुत ही खराब रही हो और वो एक होटल में जाए जहां पे वेटर के द्वारा समझाए जा रहे मेन्यू भी ना समझ में आए, और वो 11 नॉवेल टोटल के टोटल इंग्लिश में लिखे जाए, तो मजेदार स्टोरी होने वाली है। आप सच में इसे पसंद करने वाले हैं। और ये बुक जो अभी इनकी लेटेस्ट मार्केट में आई है, वो बुक हमारे हाथ में है, आप इसे देख पा रहे हो, अ प्रॉमिस अमंग द डार्क विंड्स। तो ये बुक दिखाते हुए हम अपने इस एपिसोड में आप सभी के बीच स्वागत करेंगे सत्यपाल चंद्रा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने। थैंक यू अनुराग, थैंक यू फॉर वार्म इंट्रोडक्शन एंड इन्फेक्शियस एनर्जी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। अब जब हमारे हाथ में ये बुक है तो हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे इस बुक से, और शुरुआती दौर में स्टॉक को इसी बुक के इर्द गिर्द रखते हैं। तो सर आप ये बात बताना, ये जो इतनी प्यारी सी लाइन लिखी हुई यहाँ पे, प्रॉमिस अमंग द डार्क विंड्स, ये इस बुक का टाइटल है, मतलब क्या मन में ख्याल आया, आपने ये टाइटल क्यों रखा? ये एक फैंटसी नॉवेल है, ये मिथोलॉजिकल फिक्शन है। ये इंडिया के एक वर्चुअल सिटी में सेट की गई है, शहर का नाम है सिम्फाला। ओके। ये एक बहुत ही अच्छा सा हिल स्टेशन है, इंडिया में ऐसा भी कोई भी अभी तक ऐसा हिल स्टेशन नहीं है जैसा पर्टिकुलर उस हिल स्टेशन के बारे में लोकेशन बनाया गया है। तो एक स्टोरी एक कपल की है जो बहुत ही वंडरफुल कपल है, एक लड़का है जो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, वो एक लड़की से मिलता है, दोनों में प्यार हो जाता है। जब वो दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, देन दे रियलाइज दैट कि यार हम नॉर्मल नहीं हैं। फिर उनको पता चलता है कि दे आर अटैच्ड विद द हिस्ट्री, हिस्ट्री है जो 20,000 साल पुरानी है, उससे वो दोनों कनेक्टेड है। जब वो अपने को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तब पता चलता है जो लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चार्मिंग है, डैशिंग है, यूनिक है, वो लड़की आम गर्ल नहीं है, सी इज अ गोल्डन एंजल। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड गोल्डन एंजल इज सी इज सो यूनिक दैट सी कम्स वंस इन अ जनरेशन। पूरी अपनी जनरेशन में वैसी लड़की सिर्फ एक ही बार पैदा हुई है, और जो लड़का है वो भी एक मॉन्स्टर है, ही इज अ नॉट अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इन दोनों की स्टोरी है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और जब इनको पता चल जाता है कि सी इज अ गोल्डन एंजल एंड आई एम अ मॉन्स्टर, और दोनों के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है क्योंकि एक मॉन्स्टर और एंजल में कभी कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती, फिर ये पता चलता है कि डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया क्यों। जब ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि दे आर अटैच्ड विद अ हिस्ट्री दैट हैज हैपेंड 20,000 ईयर बैक, और वो हिस्ट्री ये होता है कि 20,000 साल पहले एक रेयर प्लानिटरी इवेंट हुआ था, रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ था, उस इवेंट का नाम है प्लानिटरी अलाइनमेंट। व्हाट इज प्लानिटरी अलाइनमेंट? उस पर्टिकुलर दिन, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जितने प्लैनेट्स के जो हमारे जो 9 ग्रह हैं वो सारे के सारे एक एक्सिस में आ जाते हैं, जिसके कारण मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है, समंदर में पानी ऊपर जाने लगता है, हवाएं तेज चलने लगती है, मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता है। तो उनकी कहानी की शुरुआत उस पर्टिकुलर दिन से हुई थी, दिस प्लानिटरी अलाइनमेंट के साथ। फिर उनको ये पता चलता है कि उस दिन से लेके 20,000 साल पहले जो हिस्ट्री हुई थी, आज मैं कनेक्टेड क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज द प्रॉमिस दैट हैज बीन मेड, और अभी जो मैं नॉर्मल इंसान की तरह सिटी ऑफ सिम्फाला में रह रहा हूँ, क्यों रह रहा हूँ, वो मकसद ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर पता चलता है सिटी ऑफ सिम्फाला में जो मैक्सिमम लोग हैं जो उनके लायक लगते हैं, वो लगते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बींग है, दे आर डूइंग ऑल द काइंड ऑफ थिंग जो नॉर्मल इंसान करते हैं, बट सारे मैक्सिमम लोग वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बींग कोई भी नहीं है, सब मैक्सिमम लोगों का एक पास्ट अटैच है जो 20,000 साल पुराना है। तो दिस इज द वेरी वंडरफुल स्टोरी।
एक प्रॉमिस होता है उस डिस्ट्रक्शन के टाइम 20,000 साल पहले जो आज भी रिलेवेंट है. तो दिस बुक इज बेस्ड ऑन दैट. इसमें स्टोरी दो पार्ट में चलती है. पहला व्हाट हैज हैपेंड 20,000 ईयर्स बैक एंड व्हाट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली पैरेलली राइट नाउ इन टुडेज वर्ल्ड इन सिंफाला. That's great, truly amazing. I'm really amazed after listening to you. जब आप ये स्टोरी सुना रहे थे तो सच में बड़ा मजा आ रहा था. अभी ऑडियंस को भी सच में बहुत पसंद आ रही होगी ये बुक. मैं तो पहले ही बता दूं कि अमेजोन से जाके अभी बुक कर लीजिए, क्योंकि ये बुक सच में बहुत ही मजा देने वाला है आपको जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे ना. मैंने 3 चैप्टर अभी पढ़े क्योंकि मुझे बुक अभी मिली है. तो ये 3 चैप्टर के बाद आप रोक ही नहीं पाओगे खुद को, खुद फिनिश करोगे इस बुक को अंत तक. जब मैं पढ़ रहा था अभी, मैं देखा अचानक से तो लास्ट में लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये टू बी कंटिन्यूड क्या इसके सीक्वल्स लाने वाले हैं आप? यस, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है. मैंने बोला कि ये मिथोलॉजिकल फिक्शन है, तो ये स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू है. ओवर द टाइम इट विल कम इन अ मल्टीपल पार्ट बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टेल. अभी तो इनकी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है, तो देयर इज अ लॉट टू टेल. लेकिन जब मैं आपको सुन रहा था तो एक चीज मुझे समझ में आ रही थी. कहीं इंटरव्यू में मैंने सुना आपसे कि आप 10th के बाद मतलब अपनी रेगुलर एजुकेशन छोड़ दिए थे, तो मतलब उसके बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख पाना कैसे संभव हो पा रहा है आपके लिए? हाउ यू डिराइव द टर्म्स? जैसे आप ये सिम्फाला की बात कर रहे थे, इस बुक के कैरेक्टर्स के अच्छे अच्छे नाम आपने रख रखे हैं, फिर ये जो कहानी जो आप अर्द गिर्द घुमा रहे हैं जहाँ पे, ये मतलब इतना आसान नहीं है किसी के लिए, आप कैसे कर पा रहे हैं? एक्चुअली इस बुक को लिखने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च बिकॉज ये मिथोलॉजिकल फिक्शन है. इसमें आम आदमी कोई भी नहीं है, तो मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग उन कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचना कि अगर मॉन्स्टर है, कि किसी ने मॉन्स्टर को नहीं देखा तो वो क्या कर रहा होगा. गोल्डन एंजल है, ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि सी इज सो प्रीशियस एंड सी इज सो स्पेशल दैट सी कम्स वंस इन ए जनरेशन. पूरी जनरेशन में, पूरे खानदान में, हजार साल की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही लड़की वो है, तो वो उसमें क्या स्पेशलिटी होगी. फिर जैसे मैंने प्लानिटरी अलाइनमेंट की बात की, जो उसको साइंस से कैसे बैकअप किया जाए. तो पूरी स्टोरी में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मिथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए उसको साइंस के अकॉर्डिंग कैसे बैक किया जाए, कि कुछ भी चीजें ऐसा ना लगे कि दिस इज आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, कुछ भी exactly, नहीं ऐसा exactly. तो हर चीज एक जो इवेंट हो भी रही है, इवन इट इज हैपनिंग इन अ मिथोलॉजिकल वर्ल्ड, इट हैज अ रेशनल लॉजिक बिहाइंड इट. तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था राइट रिसर्च करना एंड राइट चीजों को पुट करना विद प्रॉपर कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स. मिथोलॉजी को रियलिटी से कनेक्ट करना, 20,000 साल पुरानी की स्टोरी को रियल लाइफ से कनेक्ट करना और परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन दिखाना एवरीथिंग का. ट्रूली अमेजिंग. और आप ये करने में सफल भी हो पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन आपसे सवाल ये बनता है कि आप जब इसके रिसर्च कर रहे थे तो मतलब आप कितना टाइम दे पाते होंगे इसमें? कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी मैकटेप में इन्वॉल्व हैं, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज करोड़ों की कंपनी है, तो वहाँ पे भी आपका टाइम जाता होगा. तो कितना वर्ष लगा इसे लिखने में या कितने महीने लगे इसे लिखने में, इस बारे में भी बताएं अनुराग. क्योंकि इस बुक को मैं रियली लिखना चाहता था, तो मुझे पता था कि बट इसको मैं ऐसे बिना रिसर्च के नहीं लिख सकता, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं पुट करना चाहता था. तो आई हैव टेकन अ ह्यूज टाइम टू रिसर्च. आई थिंक आई हैव completely around I have invested 3 to 4 months. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने 24 hours research किया, but whenever I got time within this span of 3 to 4 months, I have done a lot of extensive research. After that research, I got to know that you know these are the term that I can use, these are the characteristics that I can put, these are the location and the locality where I can set my character in. So it requires extensive research. Book लिखने में मुझे it take around 8 to 10 months. I'm not going to say that कि 24 hours I was writing, I was just putting 1 hour, 2 hour every day. Sometime I was even skipping, but हाँ अच्छा time लगा because story is very fascinating and the story demands the time because the मैंने बोला कि इतने sequence है, so it should look like everything is happening in the real life or something कुछ भी fake नहीं है. That's great, truly amazing. क्या आप बताना चाहेंगे कि मतलब किस टाइप के सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे रिसर्च के दरमियान? क्योंकि जैसे आपने एक नाम लिया सिम्फाला, तो ये सिम्फाला कैसे उदय हुआ, कैसे सिम्फाला ही आप सोचे? कुछ और भी सोच सकते थे. ये कर रहा था कि इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस कौन से हैं. अब हिल स्टेशंस जब इतने ब्यूटीफुल है, बट सिम्फाला इससे भी 10 times बेटर है, तो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए? तो सिम्फाला का जो नॉर्मल लोकेलिटी उसमें 24 into 365 वहाँ पे लोकेलिटी में कोई इंसान नहीं रहते. जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है 50 kilometers दूर है, ताकि एक परफेक्ट मिथोलॉजिकल फिक्शन के लिए एक सेटअप तैयार किया जाए. वहाँ पे इंसान आसानी से नहीं पहुँचते, अगर कुछ हो गया तो मेन सारे रोड क्लॉग हो जाएंगे, बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट नहीं है. बहुत छोटा सा शहर है, बहुत मिस्टीरियस शहर है, दैट इज क्वाइट अनएक्सप्लोर्ड. देर आर 7 to 8 different lakes.
हर लेक अपने आप में एक अलग स्टोरी रखता है, सिटी का हर पार्ट अपने आप में डिफरेंट है, क्यों शहर डिफरेंट है, तो ऐसा हमें एक दुनिया क्रिएट करनी थी। That's good, truly amazing. मतलब आपने बहुत ही अधिक रिसर्च करा और उसके बाद एक एक कैरेक्टर को बड़े ही प्यार से, बड़े ही शिद्दत से सजाया है इस बुक में, और अनडाउटली रीडर्स को बहुत ही पसंद आने वाले। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि अगर रीडर्स को ये बुक बहुत अधिक पसंद आए तो आपको फीडबैक देना चाहें तो कहाँ देंगे? Amazon पे दे सकते हैं, दे कैन रिव्यू दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्ट, पर्सनली कॉन्टेक्ट ऑन आई थिंक business@satyapalchandra.com, satya@mactab.com। That's great. They can also leave feedback on social media. सोशल मीडिया पे भी आपसे कनेक्ट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। That's a truly amazing thing for a writer. Actually, जब कोई इंसान किसी राइटर की बुक पढ़ता है और उसे पसंद आ जाता है तो वो राइटर को बहुत दिल से चाहने लगता है। एंड आई एम श्योर कि ये चाहत लोगों के मन में, लोगों के दिल में आपके लिए जरूर ही डेवलप होने वाली है। दे पीपल आर जस्ट गोना एंजॉय दिस बुक। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि ये तो आपकी 11वीं किताब है, इससे पहले ऑलरेडी आपने 10 बुक्स लिख रखे हैं, उसमें एक बुक है आपका द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, राइट? ये द मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी बहुत ही अधिक पॉपुलर हुई थी आपकी और उसकी मतलब फर्स्ट प्रिंट बहुत ही मतलब बेस्ट सेलर बनी थी आपकी, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएंगे? मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक ऐसे आम इंसान की कहानी, एक लड़के की कहानी है। ही केम फ्रॉम नोवेयर एंड बिकम समवन रियली बिग। इट्स अ स्टोरी ऑफ डार्कनेस टू रिडेम्पशन। ओके, एक स्ट्रगल की स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है कि एक नॉर्मल सा लड़का लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स से जाता है, कितने चैलेंजेस से जाता है, उसके लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं, कॉलेज में क्या होते हैं, रिलेशंस में क्या होते हैं, फ्रेंड्स में क्या होते हैं, और इंडिया के रियलिस्टिक सिचुएशंस क्या है, लाइक कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स, करप्शन, एंड इफ समवन वांट्स टू डू रियली बिग, व्हाट ही गोज थ्रू थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द फैमिली, थ्रू आउट द रिलेशनशिप, थ्रू आउट द फ्रेंडशिप। तो एक डार्कनेस टूवर्ड्स रिडेम्पशन की स्टोरी है कि ही बिकेम सक्सेसफुल, बट व्हाट इज द जर्नी, एंड सो दिस द मोस्ट लेवल बैकलर डिपिक्ट्स दैट जर्नी ऑफ अ गाय who came from nowhere and he became really successful. That's great, truly amazing. अब बिल्कुल आपसे ये पूछूंगा क्योंकि इस बुक के बारे में भी इतने अच्छे से, इतने शिद्दत से बता रहे हैं, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर के बारे में भी शिद्दत से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 11 किताब आपने लिखे, तो इन 11 में कोई तो एक ऐसी होगी जो आपके दिल के बहुत करीब होगी, जो आपको लगता होगा कि नहीं यार ये तो मतलब माई बेस्ट पीस, ऐसा कुछ है आपके दिल? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कोई भी मेरा बेस्ट पीस है, बिकॉज whatever time I have invested to write those all books, I have given my best time. So, or because I am the creator, I will be very biased if I'll say this is my best creation. But yes, this book, the latest book, I have put it altogether a very different kind of research, writing practice, and this is my latest book. Also, yeah, it stands a little different because इसमें आज की दुनिया कुछ नहीं है, बहुत different story है ये। That's great, truly amazing. अब सर मैं बिल्कुल आपको लेके चलता हूँ उस दुनिया में जो वैसे क्वेश्चंस की ओर जिन क्वेश्चंस का इंतजार यहाँ पे हमारी ऑडियंस बिल्कुल कर रही है, क्योंकि उनको पहले पता चल चुका है कि आपने 11 किताबें लिखी हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसे ज्ञान देने वाले हैं उन्हें जो उनको हेल्प करने वाली है कि वो कैसे किताबें लिखें अगर उन्हें लिखने की ख्वाहिश हो तो। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं सीधे सीधे फास्ट पूछूंगा इसलिए मैंने इसे नोट डाउन कर लिया, तो एक एक करके मैं पूछते चलता हूँ और आप इसको बिल्कुल फास्ट आंसर करते जाना। सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा कि कितना लंबा वक्त लगा जब आपने ये लिखना शुरू किया, मतलब कितने लंबे समय से आप लिख रहे हो राइटिंग, नॉट दिस बुक, एनीथिंग योर राइटिंग? आई हैव स्टार्टेड राइटिंग, एट द एज ऑफ 23, सो इट्स बीन 10 इयर्स, बट आई वाज नॉट कंसिस्टेंटली राइटिंग। सम टाइम आई डू राइट व्हेन आई फील दैट दिस बुक हैज केम आफ्टर 7 इयर्स, आई वाज नॉट राइटिंग। This year I thought I should publish a book, so I published it. So it's a long journey, I think 10-12 years. That's great, truly amazing. अब 23 साल की उम्र में आपने लिखना शुरू कर दिया था, 23 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, 23 साल की उम्र में मेरी पहली बुक आ चुकी थी। माय गॉड, मतलब 22 साल की उम्र में आपने लिखना शुरू किया था, एट द एज ऑफ 22 आप बुक राइटिंग के अलावा और क्या कर रहे थे? मैंने सबसे पहली जो कंपनी शुरू की थी व्हेन आई वाज 20, दिस वाज अ फाइनेंशियल कंपनी इन 2007, इट वाज रियली doing great, but then financial crisis came and my dreams shattered. So मैंने पहली कंपनी 20 साल की एज में बनाई थी, मैंने पहली नॉवल 22 साल में लिखी थी, and that time I was doing job 23 when I have written this book. After that I have never done any job. Then उसके बाद मैं अपने खुद कुछ का कुछ ना करते रहता हूँ। I have founded a couple of companies, some failed, some succeeded, some performed, some didn't perform, some performed but it couldn't come up to my expectations, so I quit. So this is a journey. Okay, so आप जैसे बता रहे हो कि आपके लाइफ में फेलियर्स की एक फेहरिस्त है,
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये फेलियर्स आपको क्या सिखाते हैं, क्या कुछ सीखा आपने इन फेलियर्स? आई थिंक फेलियर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सिखाता है, फेलियर्स आपको सिखाता है, फेलियर सक्सेस क्या, पहले वी हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट इज अ फेलियर, व्हाट इज सक्सेस। अनडाउटली आई थिंक दिस इज बोथ आर द प्रोसेस। अगर आप कुछ चाह रहे हो, कुछ कर रहे हो, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग मिल गया तो इट विल बी सक्सेसफुल, इट्स कॉल्ड सक्सेस। इफ रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता, दिस इज अ फेलियर। सो बोथ आर द प्रोसेस। सो इफ अगर दोनों प्रोसेस ही है तो फिर फेलियर से इतना ज्यादा डर नहीं कि आपने कोशिश की, आपने ही फेल हुए, देन यू गॉट ए कपल ऑफ लेसंस। फेलियर इज जस्ट लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, इट विल टीचेज यू। लाइक बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, मैं गाइड करता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। फेलियर में वैसे ही गाइड करता है कि यार इस वे में ट्राई किया था, नहीं हुआ था, ये करो तो होगा, शायद ये वाला आउटडेटेड हो चुका है। क्या बात, फेलियर जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। एम्बैरेस इट, और कोई भी ऐसा इंसान, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हु विल से दैट कि आई हैव नॉट फेल्ड, एवरीवन फेल्स, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज़ यही प्रोसेस है। अनडाउटली आप फेल होंगे तभी आपके पास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। थैंक्स जॉर्ज। अब क्वेश्चंस पे स्टिक रहते हैं, एकदम बिल्कुल राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ राइटर वर्किंग ऑन देयर फर्स्ट बुक? मतलब आप वैसे राइटर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो अपनी पहली किताब लिख रहे हैं? अच्छी स्टोरी बनाओ, स्टोरी पे काम करो, अच्छा कैरेक्टर डेवलप करो, ऐसे स्टोरी बनाओ जिसमें लाइक यू नो देयर शुड सम पोटेंशियल, इट शुड बी द पेज टर्नर। बोर नहीं होना चाहिए, अनवांटेड डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, काफी क्रिस्प होना चाहिए। लाइक टुडे इज द वर्ल्ड, दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, वी लिव इन अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड वेयर वी जस्ट वांट टू गेट एंटरटेन, वी जस्ट वांट टू गेट कनेक्टेड। द काइंड ऑफ प्लॉट और स्टोरी, व्हाटएवर यू विश टू, इट शुड बी सो यू नो क्लोज, और इट कुड इवोक इमोशन टू रीडर्स, और सम थ्रिल टू रीडर, और सम अटैचमेंट टू रीडर, और सम यू नो माइंड बॉगलिंग फैक्ट टू रीडर। देयर शुड सम एलिमेंट दैट कुड ग्रैब और हुक द अटेंशन ऑफ रीडर, दैट शुड बी योर गोल, एंड it shouldn't miss, it should be you know on all of your chapters or page, then it will become a page turner. आप जब राइटिंग करते हो तो आपके लिए सबसे पहले क्या आता है, प्लॉट आते हैं या कैरेक्टर आते हैं? और अगर प्लॉट आते हैं तो क्यों, और कैरेक्टर्स आते हैं तो क्यों? मतलब सबसे पहले आई थिंक फॉर मी इट्स अ कैरेक्टर, कि व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज हिज और हर ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अप्स एंड डाउन्स, हाउ सी थिंग्स, हाउ ही थिंक्स, दिस ऑल थिंग मैटर्स टू मी। व्हेन आई देन इफ आई फाइनलाइज द कैरेक्टर, आई मेक अ कैरेक्टर ग्राफ दैट यू नो this is his limit, this is her limit, she can do that, he can do that, he can't do that, she can't do that, then I'll go to the plot, or then I'll go to the setup and location and all the other incident that will take place, but I finalize the character, because for me character is most important. That's great, truly. मतलब जब आप characters identify कर लेते हो कि ये होने वाले हैं, तो और उसके इर्द गिर्द कहानी को बुन पाना बहुत ही आसान हो जाता है। हमें लगता है कि आप जैसा कुछ बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं जो समझ पा रहा हूँ। That's great. अच्छा, आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा character होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, और अगर ऐसा है तो वो क्यों? इस बुक में जो कैरेक्टर रवि है वो बहुत क्लोज है, जिसका जो इमोशनल क्वेश्चन है, इज मोर लाइक मी, इज वेरी इमोशनल, ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग विद मी, व्हाई आई एम गोइंग थ्रू सच सिचुएशन, एंड व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज मोर लाइक मी, लिटिल मोर इमोशनल, एंड यू नो not practical, he is you know easily carry away with the emotion, he is not able to take practical decision, so he is little close to me. That's great. अब बात करेंगे कि ये जो book है, इस book के ideal readers कौन है, मतलब basically ये book किन के लिए है? Anyone can read that, this is a mythological fiction, 8 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है इसमें, ऐसा like you know the content is very standard, school going kids भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज की भी पढ़ सकते हैं, और जो 60-70 साल के लोग भी पढ़ सकते हैं। This is a mythological fiction, this is a very wonderful story about mythology, this is a love story, cute love story, so it has a all ideal target audience. This is not like non-fiction that people will read who require motivation or some sort of guidance or is a particular genre. This is not a book of about cryptocurrency or like you know digital marketing, this is a very generic book that That's can be enjoyed by everyone, like a very generic movie that can be watched by anyone. That's it, truly amazing. जैसा कि आपके skills की बात करें तो आपकी English अच्छी नहीं थी, English आपने ठीक किया, आप बिल्कुल बिहार से हैं और एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे बिजनेस के बारे में सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन आपने बिजनेस किया, ठीक है। आपकी इंग्लिश इतनी ख़राब थी फिर भी आपने 11 नॉवेल्स वो भी इंग्लिश में लिख दिए, मतलब आपने अपने स्किल्स के इन्हेंसमेंट पे बहुत काम किया है। आज स्किल्स लोगों की समझे कि मूलभूत आवश्यकता टाइप हो गई है, मतलब हर किसी के अंदर स्किल्स होने ही चाहिए। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लोगों क्या ऐसा करें, मतलब वो बेस्ट वे क्या हो सकता है जिसके जरिए लोग अपने अंदर स्किल्स एड ऑन कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं? Constantly work on your weakness, you know, we all come with imperfection. दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहे कि मैं परफेक्ट हूँ, we all have our shortcomings, you know. So
रिकॉग्नाइज योर शॉर्टकमिंग्स कि व्हाट इज माय शॉर्टकमिंग, व्हाट इज माय डाउनसाइड, व्हाट इज माय पेन पॉइंट, वेयर आई एम नॉट गुड. फर्स्ट थिंग इज द रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम्स. वंस यू एक्नॉलेज दैट दिस इज माय वीकनेस एंड आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम नॉट गुड एट इट, दिस इज द फर्स्ट मेजर पॉइंट. Once you recognize your weakness, start working on that. Then figure out the ways, you know, write down the point, what I can do to, you know, cope up with this weakness, what I can do to enhance it, increase it. So just write down all those pointed, these are the points that I'm going to do, so ye weakness hamari khatam ho jayegi. Then take action on those points, ki mujhe ye karna hai, uske liye goal set karo, ki 2 mahine mein mujhe ye karna hai, 3 mahine mein mujhe ye karna hai, 1 mahine mein mere sath ye hoga. So sure. First recognize and then take action, massive action. That's great. सोचने से point नहीं है कि काश मेरे पास ये होता या काश मैं ऐसा कर पाता, ये काश जो life होता ना, it is never going to be in. No doubt. Take action. एग्जैक्टली मतलब ये काश फिक्शनल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं अनडाउटली फिक्शनल बुक्स पढ़ना सच में बहुत ही अधिक आनंदित करेगा आपको, लेकिन आप फिक्शनल वर्ल्ड में चले जाएंगे तो फिर दिक्कत है. आपको रियल वर्ल्ड में होना होगा और आपके लाइफ में काश नहीं होने चाहिए, आपके लाइफ में सॉल्यूशंस होने चाहिए, सॉल्यूशन सेंट्रिक होने चाहिए आपको. क्योंकि अगर डॉक्टर को उसका मरीज की मर्ज क्या है, जो उसका रोगी का जो वो क्या रोग क्या है पता ही नहीं चले तो वो इलाज कैसे करेगा. तो सबसे पहले आप अपने रोग आइडेंटिफाई कीजिए जैसा सर ने कहा, और उसके बाद फिर उस पर काम करना शुरू कीजिए और वो फिर धीरे धीरे आपके लाइफ में बेहतर होते चले जाएंगे, आई एम श्योर ऑफ इट. अब आपसे एक अगला सवाल होगा हमारा कि आप जब राइटिंग कर रहे थे तो आपके राइटिंग के दरमियान दो चीज़ें हुई होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी जिसने आपको बहुत अधिक हेल्प किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी जिसने आपके राइटिंग को हैंडल भी करा होगा, मतलब आपको बहुत अधिक परेशानियों में भी डाला होगा, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बताएं. हेल्प तो लाइक व्हेन आई वाज रिसर्चिंग इनिशियली आई वाज नॉट एबल टू गेट क्रिएट द परफेक्ट प्लॉट, परफेक्ट एंडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. सो हम बहुत कोशिश कर रहे थे एंडिंग ऐसा क्या होना चाहिए जो इस पूरी स्टोरी को जस्टिफाई कर सके. सो हम वी हैव कम अप विद 5 to 6 डिफरेंट एंडिंग एंड हम किसी भी एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं थे. देन वी हैव कम टू लास्ट एंडिंग, आई थिंक ये 7th or 8th एंडिंग होगी, जब वी फील कि नहीं वी हैव डन जस्टिस टू द एंडिंग. तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था. अच्छा ये था कि हम मिथोलॉजी के साथ हम नॉर्मल लाइफ में भी बुक को लिख रहे थे, तो नॉर्मल लाइफ वाला सीन क्रिएट करना थोड़ा सा आसान था. बिकॉज आई कैन इमेजिन कि what if I'm spending time with a girl, how I will react, ये थोड़ा सा आसान था. मिथोलॉजिकल ये थोड़ा सा मुश्किल अनडाउटली, क्योंकि आपको सब कुछ इमेजिन करना पड़ा होगा, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमते हुए सोच सोच करके बहुत कुछ लिखना पड़ा होगा आपको अनडाउटली. ट्रूली इनक्रेडिबल, आपने बहुत ही मेहनत करके इसे सजाया है. और मेरा मानना है कि एक बुक जो है ना, एक राइटर की, एक ऑथर कि वो बेबी समान होता है, उसके बच्चे के समान होता है, और उससे बहुत अधिक वो मोहब्बत करता है, क्योंकि जितनी मेहनत लगती है उसमें ना वो सच में बहुत ही अधिक होती है, और वो इतनी वैल्यू दे पाता है रीडर्स को कि मत ही पूछिए. अब आपसे एक सवाल है कि आप ये बुक को पब्लिश करवा चुके हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि ये पब्लिशिंग के प्रोसेस में कौन सी ऐसे पॉइंट पे आपको लगा कि यार ये क्यों आता है इस प्रोसेस में, ये तो होना ही नहीं चाहिए, और कौन सा ऐसा पॉइंट लगा कि यार यही तो मज़ेदार चीज़ है, मतलब पब्लिशिंग का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? पब्लिशिंग जो आई थिंक जो पेन पॉइंट होता है, आई थिंक फॉर एवरीवन इज अ लॉन्ग टाइम. यू नो दिस इज क्या होता है, जब बुक लिखते हो या कोई भी काम करते हो तो लगता है मैंने बड़ा मेहनत किया, रिजल्ट डालना चाहिए. आपने 6 साल एग्जाम की प्रिपरेशन की, 4 साल की, और आपने एग्जाम दिया, आपको लगता है नहीं अगले दिन रिजल्ट डालना चाहिए, बट पता चलता है रिजल्ट आपको 4 महीने बाद आया. जो पेन पॉइंट होता है, जो लॉन्ग टाइम द प्रोसेस, बिकॉज बुक लिखने के बाद देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस लाइक एडिटिंग, ये वो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो वेट नहीं होता कि यार आपने इतना अच्छा क्रिएशन दिया तो जल्दी से मार्केट में आ जाए. तो ये एक बड़ा सा वो है. अच्छी बात ये है कि व्हेन यू नो आर एडिटर और आर मार्केटिंग डायरेक्टर हु हैज रीड दिस बुक, हु हैज गिवन मी रियली इनकरेजिंग फीडबैक, सो मुझे लगा चलो यार कि नहीं मैंने अच्छी बुक लिखी है, नाउ आई हैव टू मार्केट इट, आई हैव टू गो टू द पब्लिक एंड लेट देम नो दैट आई हैव क्रिएटेड अ वेरी वंडरफुल थिंग, जस्ट गिव योर फीडबैक और रीड इट. लेकिन राइटिंग प्रोसेस में आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था? इसके एंडिंग लिखना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग. मैंने बोला ना हमने 7-8 डिफरेंट एंडिंग सोची थी, और हमने 7-8 डिफरेंट एंडिंग लिखी भी, बट हमने सबको स्क्रैप कर दिया, बिकॉज वी वर नॉट इवन वी हैव गिवन आवर बेस्ट, आई वाज पर्सनली नॉट कन्विंस्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट एंडिंग. The ending should be different. Ending should be something where this is a mythological fiction. It shouldn't end in this way. It should connect everything. All exactly. The doubts at one particular point. So ending was
वे मोर चैलेंजिंग दैट वी हैव थॉट अर्लियर. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. अभी ये जो इंटरव्यू है कहीं ना कहीं ऑथर्स, राइटर्स या एस्पायरिंग ऑथर्स के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल पूछूंगा उनके सवाल, क्योंकि उनको बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि कब लिखना चाहिए. सुबह उठ के लिख ले, दोपहर में लिख ले, रात में लिख ले, ये लिखने का प्रोसेस जो है कब बहुत अधिक इफेक्टिव होता है, आप अपने प्रोस्पेक्टिव से बताएं. आई डोंट थिंक सो कि राइटिंग के लिए कोई पार्टिकुलर टाइम या जोन होता है. व्हेनेवर यू फील क्रिएटिव, व्हेन यू फील कंफर्टेबल, यू शुड राइट. यू नो एवरीवन हैज देयर और हिज और हर ऑन कंफर्ट जोन. समवन माइट फील वेरी क्रिएटिव एट द मॉर्निंग, समवन फील माइट वेरी क्रिएटिव एट द at the time of night, someone do it, you know, early morning, someone do it the midday, someone does it, na, when they are roaming or they are sitting by the beach, someone goes to, you know, around any hill station. So it's up to you, whatever is the comfort zone, you just figure out, okay, where I am developing that kind of comfort zone, when I can put down all of my creativity and then I could put it on pen and paper. So it's up to you, when you feel very creative, calm and, you know, sensible, and that you feel that I'm in the zone, that now I can write and I can create something out of it. It's up to you. That's good, truly amazing. अच्छा एक बात और, क्योंकि कई बार ऑथर शुरू तो कर देते हैं लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है वो दो चैप्टर, तीन चैप्टर्स तक लिखते हैं, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, वो लिख नहीं पाते, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते. मतलब मैंने सुना है स्टार्टिंग इज हार्डेस्ट, बट मुझे लगता है कि स्टार्टिंग इज ईजी. लोग स्टार्ट तो बड़े ईजिली कर लेते हैं, उसको एंड कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है. उनके लिए आपके क्या सजेशन है? यू हैव टू हैव अ गोल ना, व्हाट यू विल डू. इट्स नॉट अबाउट बुक, इट्स अबाउट इवन योर द करियर. योर सपोज यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू नो, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. तो इनिशियल फेज आप छोड़ इसके देते हो कि आपके अंदर उस लेवल का ऑब्सेशन नहीं है. मे बी आप इन्फ्लुएंस हो गया लोगों से कि यार उसने भी दो महीने किया, मैं भी दो महीने कर लेता हूँ. बट आपका इनिट खुद का पैशन नहीं है. इफ यू आर दैट पैशनेट विद इन योर सेल्फ, देन आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गिव अप टिल यू अटेन व्हाट यू हैव थॉट फॉर योर सेल्फ. So then you need to have that astute conviction if you're starting anything, that irrespective of anything, no matter what the circumstances will come in my life, I will finish it at any damn cost. When you have this kind of conviction within yourself, you will end it. That's good, truly amazing. लेकिन फिर आपसे सवाल है, क्योंकि क्या आपको कभी नहीं आता ये ख्याल, गिविंग अप का ख्याल कभी आता है या नहीं? अगर आता है तो कैसे कंट्रोल करते हो आप? यार मैं भी आम इंसान हूँ, बहुत चीजों में गिविंग का ख्याल आया, मैंने गिव अप भी किया, बट कुछ चीजें थी जो आपके लिए बहुत क्लोज होती है, लाइक यू नो दिस समहाउ इट बिकम्स योर पैशन, ऑब्सेशन, लाइफ ब्लड और समथिंग लाइक दैट. सो आई जनरली डोंट लुक बिफोर टेकिंग अप एनीथिंग, आई थिंक अ लॉट. And the question I ask to myself, am I going to do that? Am I going to enjoy the process? Even if I'm not going to enjoy this process, am I going to sustain it for the longer period of time without having any expectations? If in any circumstances the answer is no, I just don't take anything up. If the answer is yes, like no matter what may happen, I'm going to continue it for the longer period of time. I'm going to do it even if I'm not enjoying that, then I will take it. So it's a conviction, my self-conviction that this is very close to me and this is the thing I do believe in, then I will do irrespective of anything. I won't give up. That's great. Truly amazing. मतलब वो ये कि why अगर आपका बहुत strong है तो आप फिर छोड़ेंगे नहीं, giving up होगा ही नहीं. आप अगर किसी को देखा देखे लिखना शुरू कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आप बीच में क्विट कर देंगे. लेकिन आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको लिखना पसंद है, आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कोई खास ऐसा रीजन है जो आपको लोगों के सामने लेके आना है, तो फिर आप उसे फिनिश करेंगे ही, क्योंकि उसके पीछे एक खास वजह आपने डाल दी है, एक बहुत ही स्ट्रांग पर्पस, एक बहुत ही स्ट्रांग वाई आपने क्रिएट कर लिया है, तो बिल्कुल आप लिखेंगे. जैसा कि एक कहावत बहुत ही अधिक प्रचलित है कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, मतलब इसको हम पावर ऑफ इन्विजनिंग कह सकते हैं. मतलब एक राइटर, एक ऑथर के पास वो भी कुछ देख पाने की क्षमता होती है जो अभी हुआ ही नहीं, मतलब फ्यूचर भी वो एक तरीके से देख पाते हैं, वो इन्विजन कर पाते हैं. तो ये आपके नॉर्मल लाइफ में ये कैसे हेल्प कर पाता है आपको? यार अब लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो, सबसे पहले उसको विजुअलाइज करो, ठीक है, कि आई वांट टू अर्न दैट मच ऑफ मनी ओवर दैट टाइम. अगर विजुअलाइज ही नहीं करोगे तो कर ही नहीं पाओगे. तो सबसे जो पहला स्टेप है लाइफ में कुछ भी करने के लिए, जैसे बुक लिखने के लिए, तो आई वांट टू फिनिश दिस बुक, आई वांट टू सी इट गेटिंग पब्लिश्ड, एंड आई वांट अ लॉट ऑफ पीपल इज अप्रिशिएटिंग इट. दिस इज द इनविजन दैट विल पंप अप यू टू पुट एफर्ट. सो विजुअलाइजिंग इज इंपॉर्टेंट. That's great. मतलब आप फ्यूचर की बात हमने कर लिया, मतलब इन्विजनिंग की बात कर लिया, वो पार तो होते हैं, वो आपके पास भी है, तभी इतनी प्यारी सी किताब आपने लिख रखा है, क्योंकि ये तो इन्विजनिंग का ही इफेक्ट है एक तरीके से. इतना अधिक आपने सोचा होगा, इतना अधिक पॉन्डर करा होगा सारे कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स के बारे में, कि इसके बारे में मतलब शब्दों में बात ही नहीं करी जा सकती. ये आप ही कर सकते हो क्योंकि आपने ये सब कुछ किया है. अल्टीमेटली
अब हम आपसे पूछना चाहेंगे वो सवाल कि अगर आपको मौका मिले, अगर आपके पास एक पार आए कि आप पास्ट में जाकर के अपनी कुछ चीजों को बदल सकते हो, तो वो एक चीज क्या होगी जिसे आप बदलना चाहोगे? मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आई डोंट लुक बैक एट माय पास्ट, जो हो गया वो हो गया, देयर इज नो पॉइंट टू चेंज पास्ट में जो हुआ, आई हैव गॉट द लेसन, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन माय पास्ट, आई वांट टू वर्क ऑन माय करंट टाइम एंड द फ्यूचरिस्टिक थिंग. That's good. Truly amazing. Finally, we are at the end of this एपिसोड. अब हम चाहेंगे कि अपने ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी बातें बता दीजिए कि उनको मजा आ जाए. अगर वो एक aspiring author है तो बस वो 2-4 महीने में अपनी पहली बुक भी पब्लिश करवा दे जल्दी से. आप aspiring author हो तो there is a lot of scope, not into just to publish novel, there is a lot of scope. You can write a screenplay, you can write song, you can TV serial, blogging. But whatever you will do, just do it very passionately, have a lot of obsession. और जो कुछ करो उसे निटी ग्रिटी को सीखो. अगर नॉवल लिख रहे हो तो फिर कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, प्लॉट कैसे होना चाहिए, प्लॉट में कनेक्शंस कैसे होना चाहिए, डॉट्स कैसे कनेक्ट होना चाहिए, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाए, कैसे आपको थ्रिलिंग बनाए, कैसे आपको इमोशनल बनाए, तो व्हाट एवर यू विल डू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द निटी ग्रिटी, वर्क ऑन द माइनर डिटेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू अ लॉट. इफ यू वॉन्ट वर्क ऑन द माइनर डिटेल, things won't turn in your favor. So I think this is the advice I want to give. That's great. Truly amazing. Truly love talking to you. बहुत अधिक मजा आया, सच बता रहा हूँ. मैं यहाँ पे बैठ के बहुत अधिक खुश हो रहा हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिला है. और ये बुक तो मतलब 3 चैप्टर पढ़ा हूँ अभी और उसके बाद ये शूट शुरू हो गया. अब ये शूट समाप्त करते हुए पहले इसे फिनिश करूंगा, उसके बाद आगे का कोई काम होगा. अनडाउटली इट्स सो इंस्पायरिंग, मतलब कि आप इतनी मेहनत करके एक इतनी प्यारी सी किताब मार्केट में लेकर के आया हो. तो जितनी लोग यहाँ पे हैं जो देख पा रहे हैं, लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके क्लिक कीजिए और इस बुक को खरीदिए और पढ़िए. और सबसे अच्छी बात है कि एक ऑथर को तब बहुत अधिक मज़ा आता है जब उनकी बुक के बारे में उनके पास तक फीडबैक पहुँचती है. तो आप बिल्कुल अमेजोन पर रेटिंग्स दे सकते हो, रिव्यूज़ दे सकते हो, साथ ही साथ पर्सनली भी सत्यपाल चंद्रा सर को इनको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह सर्च करके आप इनको पर्सनल टेक्स्ट के जरिए भी चीज़ें बता सकते हो. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान के लिए उसका बच्चा होता है. नहीं, आपके बारे में अगर आपके पापा तारीफ सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है ना, वैसे ही किसी बुक के बारे में अगर उसके ऑथर तक अगर अच्छी चीज़ें पहुंचती है ना तो उन्हें भी बहुत अधिक मज़ा आता है, उनको और इंस्पिरेशन मिलती है कि आगे हम और भी इस तरीके की क्रिएटिविटी करते रहें. दैट्स ऑल फॉर द डे. आज बहुत ही मज़ा आया आज के इस एपिसोड में, मुझे विश्वास है आपको भी मज़ा आया होगा, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा. और अगर इनसे सीख करके आप भी कुछ लिखने का प्लान बना रहे, मन बना रहे, तो बिल्कुल लिखिए. और अब तो सेल्फ पब्लिशिंग की बात है तो मैं तो बिल्कुल बता दूं कि मैगटैब अपने साथ है. जी, मैगटैब के फाउंडर हैं तो ये बताना तो बिल्कुल बनता है. मैगटैब में आपको एक फीचर है कि अगर आपने लिख लिया तो आप अपनी बुक को खुद से पब्लिश कर सकते हो, कोई पब्लिशर ढूंढने की जरूरत नहीं है. सिंपली गो एंड चेक मैगटैब, बिल्कुल इजी, 2-4 स्टेप्स फॉलो करोगे और आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी. और सिर्फ यहीं तक नहीं, वो जो बुक पब्लिश होगी तो आप चाहो तो फ्री रख दो, आप चाहो तो पेड रख दो. अगर पेड रखते हो तो वहां से भी आपकी एक अच्छी कमाई होना लाजमी है. मैं सत्यपाल चंद्रा सर से बिल्कुल इस बारे में जानना चाहूंगा कि ये सेल्फ पब्लिशिंग की जो आपने शुरुआत करा, इसके पीछे क्या मंशा रही, क्यों शुरू करा आपने ये, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं. डॉक्यूमेंट रीडर वो बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट रीडर हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुपीरियर है. डॉक्यूमेंट रीडर में हमारे जो सबसे अच्छी फीचर है वो है कि इट एलिमिनेट्स द लैंग्वेज बैरियर. आपका यूजर टैप करके वर्ड का विजुअल मतलब देख सकता है. तो पब्लिश का मेरा लॉजिक कोई पब्लिशिंग वर्ल्ड को चैलेंज करना नहीं था, वो एक ऐसा था कि आपका जो कंटेंट है वाइडर ऑडियंस तक जा सके. तो आपके कुछ ऐसे कंटेंट है जिसको सोच लगता है कि आपको पब्लिशर नहीं मिल रहा, इफ यू वांट टू पब्लिश, पब्लिश ओवर देयर, पीपल फ्रॉम यू नो ऑल अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब विल रीड इट, बिकॉज देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ नाउ हैविंग द लैंग्वेज बैरियर. तो ये सबसे अच्छी चीज़ है एंड शायद यही रीजन है कि पीपल विल लव टू अपलोड देयर कॉन्टेंट ओवर आर प्लेटफॉर्म. तो वहाँ से ये होगा कि टैप करके, अभी जैसे आपकी बुक सपोज इंग्लिश में है तो या फिर हिंदी में है तो अदर लैंग्वेज वाले लोग भी उसको पढ़ पाएंगे, टैप करेंगे, उसको विजुअल मीनिंग मिल जाएगा, उनको मजा आएगा, वो पढ़ते जाएंगे, तो इट विल गिव यू द वाइडर एक्सेसिबिलिटी. That's good, truly amazing. मतलब वो लोग जो budding authors हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल ये जिसको कह सकते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. आपने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया, मेंटोर कर दिया कि कैसे लिखना है, और अब आप लिख लो तो पब्लिशिंग की भी बात यही पी हो गई. और बाकी फिर बाकी ऑफलाइन पब्लिशिंग करवानी है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, अप्रोच देम. और अगर सेल्फ पब्लिशिंग करनी है तो यू डू हैव मैगटैब एंड सत्यपाल चंद्रा. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द शो. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. आज के एपिसोड में हम यही विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हो रही होगी किसी और शख्सियत से
खूब सारी बातें। मुझे विश्वास है कि आपको ये शो बहुत ही अधिक पसंद आ रहा है, आप इसे अपने दोस्तों के बीच में पहुंचा रहे हैं शेयर करके। अगर आपको ये शो सच में पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए यहीं पे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।